despertar. Haz que es su dentro. जरूर जानना चाहेंगे कि गठबंधन में क्या रहेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे,
हम लोग कितनी सीटों पे लड़ेंगे, जननायक जनता पार्टी कितनी सीटों में लड़ेगी, तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि सारी हम लोगों की जो बैठकें हुई उसके बाद निर्णय इस पे भी ले लिया गया है और निर्णय यह हुआ है कि जननायक जनता पार्टी जो है वो 50 सीटों पर लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस प्रकार से हम लोग गठबंधन के तहत में मिलकर के चुनाव लड़ करके और हरियाणा में एक नई सरकार बनाने के लिए इस गठबंधन को आगे लेकर के चल करके और सरकार बनाने का काम भी करेंगे। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 6-7 महीने में अगर ट्रेंड देखा जाए बीएसपी का, खासतौर से हरियाणा में, आप लोग की शुरुआत हुई इलेनो से, फिर आप लोग चले गए सैनी साहब के साथ, आप चले गए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ, ये हर चुनाव के बाद जो नतीजे होते हैं उसके बाद अलायंस में आपको नए पार्टनर तलाश करने की जरूरत पड़ जाती है और आरोप करते हैं कि भाई, और खुद सैनी साहब ने आरोप लगाए थे पैसे के लेन देन के साथ टिकटें बेची जाती है बीएसपी में, ये सैनी साहब का आरोप था। देखिए आपको अच्छी तरीके से मालूम है, जब कोई बाहर जाता है या कोई जिससे गठबंधन में अगर हमने उसको कुछ सीटें दी या हमने उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसके बाद उनकी जो पकड़ थी और जो पकड़ होनी चाहिए थी जब सामने नहीं आई तो उसको जब वो हट गए, जब हमने उनसे हटा दिया तो ये तो इस तरह के झूठे और गलत प्रचार आरोप तो रखते ही रहते हैं, इस पे तो तवज्जो हम लोग नहीं देते। अलायंस पार्टनर ये असेंबली का चुनाव, असेंबली के चुनाव में अलायंस का पार्टनर अभी तक हमारा कोई मान नहीं रहा था और असेंबली के चुनाव में हम लोग पहली बार अलायंस के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग हमेशा वहां पर हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा है लेकिन अब की बात हम अलायंस के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी जो आपके सामने मौजूद भी हैं, जननायक जनता पार्टी के संरक्षक भी हैं, तो इनके साथ में इस अलायंस के बारे में पहले बहुत हम लोगों ने पूर्व मंत्रणा की और उसके बाद कई बैठकों के बाद में हम लोग इस निर्णय में पहुंचे हैं कि इस अलायंस के साथ में जो वहां की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि आप भी अगर अपने दिल से पूछेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि आज हरियाणा में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और किस तरीके से वहां पर सरकार चल रही है किसी से छुपा नहीं है, उसको बदलने की जरूरत देखिये। ये सिर्फ गठबंधन दो पार्टियों के बीच में है, आपको हमने गिनती भी बता दी और हमने बता भी दिया आपको कि 50 सीटों पर जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी। सतीश जी, आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में, उस गठबंधन से क्या सीख ली है जो आप यहाँ कुछ नया करने जा रहे हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है और यहाँ का चुनाव अलग है, वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव, और मैंने अभी शायद पूरा जवाब दे दिया इसके संबंध में। आपसे ये जानना चाहेंगे जब लोकदल से आपका अलायंस टूटा उस वक्त ये तर्क दिया गया था कि दोनों ये पार्टी टूट गई है, दो एक अलग पार्टी बीच में और ये अगर एक नहीं होता तो ये वजह है हमारी अलायंस को, लेकिन अब उसी की पार्टी में से तो दूसरी पार्टी बनी है जज्बा, उसके साथ गठबंधन करना क्या वजह है? देखिए आप जब की बात कर रहे हैं वो शायद आप भी उस समय, हम तो राजनीति में उस समय तक नहीं आए थे, हम तो 2002 से हैं, लेकिन हमें क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या हुआ, उसके बारे में मैं किसी प्रकार से इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इतना जानता हूँ कि जो गठबंधन हुआ था बहुत मजबूती से हुआ था और इसका सही जवाब अगर आपको चाहिए, अगर कोई जवाब भी चाहिए तो इसमें हमारे छोटे भाई दुष्यंत जी आप करवा। आपके सवाल की बात, तो लोकसभा से पहले जब एक इंडियन नेशनल लोकदल थी उस समय का आप कह रहे हैं कि राइस क्यों टूटा, जो परिस्थितियाँ अक्टूबर 2018 से पहले की परिस्थितियाँ अलग थी और जिस समय लोकसभा का चुनाव, मैं बहन जी का जो डिसीजन था उसको स्वागत करता हूँ कि जब दो यूनिट्स अलग हुए और उसके अंदर लोकसभा के अंदर लोगों ने जननायक जनता पार्टी को चुना, और आप ये प्रदेश में जानते भी हैं कि आज के दिन भी जो 70-80% कैडर था चौधरी देवीलाल की विचारधारा का, उसने जननायक जनता पार्टी का समर्थन किया और हम तो आपके माध्यम से आज भी निवेदन करते हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ये संदेश भी तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है कि आप सब जो 20% मार बचे हैं आप आइए जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़िए और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे लेकर चलिए और आज की परिस्थिति के अंदर प्रदेश के अंदर
डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडीज है वहां से पर उनकी जो रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर सुश्री बहनती मायावती जी ने भी निर्णय लिया और हमारी ओर से नेशनल एग्जीक्यूटिव में और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हल्का प्रेसिडेंट से चर्चा करने के बाद डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने भी निर्णय लिया कि हम दोनों को मिलकर प्रदेश के अंदर जो एक हुआ बना रखा है विचित्र पार्क का उसको कहीं ना कहीं ग्रस्त करने के लिए प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए कमेरे को मजदूर को किसान को आज उठाने के लिए पिछड़े को तो आज हम मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव If I answer your question, all the feedback we have received from our youth level workers till members of our state and national executive, it was very positive that we both should get along and work together. And I think from today onwards, you will see the political scenario of the state changing drastically. It is not one small step, it is a big step both of us have taken forward. And this will change the political scenario of the state of Haryana. So far as this decision which has been taken, it's not a decision which is taken in the spur of a moment. This decision has been taken only after the entire unit of Bahujan Samaj Party, right at the youth level. They and are both Dr. Meghraj, who is the Prabhari of Haryana, and Sri Prakash Bharti, who is the Adhyaksh of Bahujan Samaj Party of the state of Haryana. They are here. And then, there, on the basis of the feedback and on the basis of their request and demands, the decision was ultimately taken at the highest level, at the party level, at the level of the honorable president of Bahujan Samaj Party, Sri Prakash Bharti. Sir, who will आपको आगामी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर सीटों का भी कौन कौन सी सीट पे बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, कौन कौन सी सीट पे नया जनता पार्टी लड़ेगी, कैसे चुनावी प्रक्रिया होगी, उस सब के बारे में बता दिया जाएगा। जॉइंटली आज आपको एक चीज बता सकते हैं कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस वो सम्मान दिवस के तौर पर 25 सितंबर को बनाने का काम हर वर्ष किया जाता था, कोई आईएनडी के समय से नहीं, जनता दल के समय से। उस चीज को जॉइंटली दोनों संगठन मिलकर 25 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की धरती पर एक बड़ी ऐतिहासिक रैली के तौर पर मनाने का काम समय आने पर आप सब बता दें। इंतजार तो देखिए दोबारा मिलना नहीं आपको। Let me not just go to Lok Sabha election. We have seen by-election. We have seen mayor's election also, where BJP did very well because of the triangular fight or contest that it has seen. So what makes you so sure that you are going to win this? Yeah, I totally agree with what results you told me. Both of us were never part together for the Nigam election. The Nayak Janata Party was not even formed when the Nigam elections were there. When we talk about the by-election, we scored 38,000 votes, we came second, and that time Bahujan Samaj Party was not with us, it was with Indian National Congress at that level. Whereas the Lok Sabha election has been concerned, it was a mere election between Rahul Gandhi's face and Shri Narendra Modi's face, whereas people have voted across the country on the face of the Prime Minister, not on the face of the local member of parliament. And today also you see there are 303 MPs in the parliament of Bharatiya Janata Party. But you don't even know, the constituents also even don't know who their MP is or where does he stay. That was the scenario for the second time in our country after Indira Gandhi, where people voted for the Prime Minister phase. But now coming for the Chief Minister election or the Assembly election, people are going to vote for the local MLA. People are going to vote on the name of the Chief Minister, and today I think BJP, after launching the Namo again, has clearly made it clear that it is in the face of Manohar Lal Khattar they are going to contest now. And now people have to decide, either they choose a person who has burnt the state 4 times, who has killed 80 people by police movement, who makes statements that Mangal Pandey
or of Kashmiri girls or all these statements which have come up. I think it's mere arrogance of the Chief Minister that we have seen in the past 1 month, and people have decided they will vote for a change, they will vote for the Bharatiya Janata Party and Bahujan Samaj Party. Aur main ek cheez kahunga, jab hathi chabi lekar chalega to Chandigarh ka taala bhi khul jayega. दूसरा जी ये जानना चाहेंगे कि दावा किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से कि कितनी सीटें जीतेंगे आप, अलायंस हो गया तो आप आज अलायंस हुआ है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आपको सीटों के लाभ दावा पर ये बता सकते हैं दोनों तो मिलकर प्रदेश के अंदर राज बनाने का जो आधार है किस हिसाब से लगता है कि ये गठबंधन कामयाब हो सकता है? विधायक नायक चौधरी देवीलाल सभी सामाजिक लोगों को साथ किया था, सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का काम किया था, और मैं ये मानता हूँ कि आज चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे हमारे एससी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर वर्ग एक हो, इस गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होकर आगामी विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन का ताकत से साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बात की गई थी कि भाजपा को रोकने के लिए तमाम दलों को साथ आना चाहिए। सतीश मिश्रा जी ने बड़ी क्लियरली बात कर दी कि हम दोनों मिलकर लड़े, इसके अंदर फिर मेरे ख्याल से कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ या कांग्रेस का तो नाम नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी का मैंने जब आप तो कह दिया कि हम दोनों मिलकर लड़े तो किसी और चर्चा करने की जरूरत। थैंक यू।